इंस्टाग्राफी सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और धवन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बल्लेबाजी करी सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल। धवन के आउट होने के बाद फिर अय्यर ने मैच में आकर इनके साथ जो धमाल मचाया वो देखकर हर कोई दंग रह गया। आज इन सब खिलाड़ियों की बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य, बाबर, गिल और रिजवान में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दूसरा वनडे मुकाबला शुरू ही बारिश के साथ हुआ। आपको बता दें कि हैमिल्टन तक बारिश पीछा करती आई, और केवल पहले वनडे मैच से नहीं बल्कि दोस्तों T20 सीरीज से ही इस मैदान पर बारिश हो रही है। न जाने यहाँ पर दूसरा वनडे मैच क्यों ही आयोजित कराया गया। खैर दोस्तों, मैच आयोजित तो हुआ, साथ ही साथ टॉस भी देरी के साथ शुरू हुआ, लगभग आधे घंटे की देरी से। और जैसे ही दोस्तों टॉस शुरू होता है, इस बार भी भारतीय क्रिकेट टीम को हार ही नसीब में मिलती है। चालाकी भरी कप्तानी करते हुए दोस्तों केन विलियमसन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनते हैं। जानते हैं बारिश के चलते DLS भी लगा तो बल्लेबाजी की टीम के जीत के ज्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन दोस्तों जो वो नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे कि मैदान में आकर आज भारतीय बल्लेबाज ऐसा प्रदर्शन कर देंगे जिसे देख कर हर कोई दंग रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धवन ने भले ही सबको परेशान कर दिया हो सैमसन को ना खिलाकर, लेकिन जब भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत हुई तब वह वाकई में काबिले तारीफ थी। 200 टॉस हारकर इस बार जब भारतीय क्रिकेट टीम की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी तो शुभमन गिल और शिखर धवन ने माना अपने बल्ले को ऐसी तलवार बना दिया जिसके सामने हर कोई न्यूजीलैंड की टीम का खिलाड़ी खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। 200 मैदान में आकर धवन थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहे थे, उन्हें शायद अपने विकेट बचाना था, परंतु शुभमन गिल ने ऐसे तीन बैक टू बैक तमाचे जैसे चौके चढ़े जिसके बाद तो न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों ने अपना सर ही पकड़ लिया था। दोस्तों, ये धांसू बल्लेबाजी की शुरुआत तो पारी के दूसरे ओवर से ही सटीक तरीके से हो गई थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी कराने आए मैट हेनरी को जब शुभमन गिल ने मिड ऑन की तरफ से एक परफेक्ट टाइमिंग भरा कवर शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा इतनी तेज गति से मारा कि दोस्तों गेंद तो बाउंड्री के बाहर गई ही, साथ ही साथ ये एक उम्दा चौका भी हो चुका था। लेकिन ये केवल एक छोटा सा टीजर था, अभी असली ट्रेलर बाकी था। दोस्तों, फिर तीसरे ओवर में गेंदबाजी कराने आए टीम सऊदी, और दोस्तों टीम सऊदी को भी शुभमन गिल ने एक ऐसा चौका जड़ा जिसे देखकर तो धवन भी दंग रह गए थे। ये शॉट दोस्तों मिड ऑफ के कवर्स के बीच में से सीधा बाउंड्री के बाहर गया, और ये बैक टू बैक उनके खाते में दूसरा चौका भी ऐड हो गया था। और लगता है दोस्तों टीम सऊदी तो शुभमन गिल के फेवरेट बन चुके थे इतने वक्त तक चौका जड़ने के मामले में। अगले ओवर में दोस्तों जब टीम सऊदी दोबारा शुभमन गिल के सामने आते हैं और इस बार एक स्लोअर गति की गेंद का इस्तेमाल करते हैं, शुभमन गिल फिर से मिड ऑन के कवर्स की तरफ से एक बेहतरीन शॉट खेलकर अपनी पारी में तीसरा चौका ऐड कर लेते हैं। दोस्तों इसी के साथ शुभमन गिल बड़ी तेजी से अपनी पारी के वो 20 रन बना लेते हैं जिससे भारत को एक क्विक स्टार्ट मिलता है। ये सब कुछ वो 20-21 गेंदों के अंदर ही कर लेते हैं। उधर दोस्तों धवन थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहे थे, लेकिन आगे चलकर मैदान में जब दोस्तों श्रेयस अय्यर को भी मौका मिला तो अय्यर ने तो आज धागे ही खोल दिए। दोस्तों अय्यर ने लगभग 20 गेंदों में 36 रन की पारी खेली, और अय्यर की इसी पारी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर पावर प्ले में ही 50 से 60 के पार पहुंच गया। दोस्तों बल्लेबाजी में भारत की शुरुआत बहुत ज्यादा अग्रेसिव रही, और ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले में बड़ा स्कोर भी बनाएगी और जीतेगी भी। और दोस्तों धवन तो आज कम स्कोर पर आउट हो गए थे, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो दोस्तों मैदान में एंट्री हुई उस शूरवीर की जो T20 में अपने नाम का इतिहास रच चुका है। दोस्तों बात करें सूर्य कुमार यादव की, और जैसे ही सूर्य कुमार यादव मैदान में एंट्री लेते हैं तो इस बार थोड़े से डिफेंसिव नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही लगता है कि सूर्य कुछ हरकत नहीं कर रहे तभी एक शानदार छक्का जड़कर सूर्य कुमार यादव मैच का पूरा नक्शा ही बदल देते हैं। शुभमन गिल जो अपने 50 के बेहद करीब थे, अब दोस्तों बैक टू बैक सिक्सेस लगाकर सूर्य कुमार यादव भी उनके साथ तुकबंदी करते हैं। और दोस्तों एक छक्का लगने के बाद तो सूर्य कुमार यादव ने मानो अपने आप को पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम पर हावी बना लिया था, और उसके बाद तो दोस्तों छक्कों की ऐसी झड़ी लगी कि देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव भी अपने 50 तक तो पहुंच ही गए थे, और भारतीय क्रिकेट टीम के स्कोर को ले गए ये गिल के साथ मिलकर 150 रन तक। दोस्तों यह मत भूलिएगा कि मुकाबला मात्र 29 ओवर का रह गया था, और इन दोनों खिलाड़ियों की यही बल्लेबाजी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कितनी ज्यादा असरदार साबित हुई आपके सामने है। दोस्तों दूसरे वनडे मैच में जैसे ही सूर्य कुमार यादव की मैदान पर एंट्री होती है तो आते ही वो ऐसा एक खतरनाक छक्का जड़ते हैं धोनी के अंदाज में जिसे देख कर तो डिविलियर्स तो क्या अच्छे अच्छे का हलक सूख जाए। सूर्य कुमार यादव ने ऐसा भी क्या खतरनाक छक्का जड़ दिया, आपको उनके इस मैजिकल सिक्स का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है,
सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम, रिजवान में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, बारिश के चलते दूसरे वनडे मैच में इतनी भागदौड़ तो खिलाड़ियों ने नहीं की होगी जितनी ग्राउंड स्टाफ ने कर ली। आपको बता दें कि बारिश आ रही है फिर जा रही है, लेकिन इस बीच में भारतीय खिलाड़ियों को थोड़ा वक्त जरूर मिला बल्लेबाजी करने के लिए, और इस थोड़े वक्त को कैसे खास बना सकती है भारतीय क्रिकेट टीम, ये उन्हें अच्छे से आता है। दोस्तों, दुखद खबर ये थी कि बारिश के चलते मुकाबले को 29 ओवर्स का कर दिया गया। 50 ओवर का वनडे मैच लगभग T20 के बराबर की हैसियत का हो गया। खैर दोस्तों, थोड़ी सी बल्लेबाजी के बाद जब भारत की बैटिंग शुरू होती है तो एक और बड़ा झटका लगता है, शिखर धवन आउट हो जाते हैं। पिछली बार जमकर गरजे शिखर धवन, इस बार 70 नहीं, वो तो 3 रन से आगे नहीं बढ़ पाए। दोस्तों, धवन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी का सारा दारोमदार आ जाता है सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के कंधों पर। दोस्तों, शुभमन गिल तो अच्छी लय में चल रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और उन्हें सूर्य कुमार यादव के साथ की जरूरत थी, जो उन्हें मिला भी। शुभमन गिल ने बड़ा ही क्लास दिखाया, 4 चौके और 1 छक्का लगाकर वो 242 गेंदों में ही पूरे 45 रन पर पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों, सबकी नजर तो टिकी थी सूर्य कुमार यादव पर, क्योंकि सूर्य कुमार यादव दोस्तों जब उन्हें पता चला कि ये 29 ओवर का मैच है, वो T20 मोड को एक्टिवेट कर चुके थे, और जब T20 फॉर्म में सूर्य आ जाए तो उनके टक्कर का तो कोई खिलाड़ी ही नहीं है इस समय पर। 25 गेंदों की पारी में दोस्तों सूर्य कब में कब 3 नायाब छक्के और 2 चौकों की मदद से 35 रन पर पहुंच गए, किसी को पता नहीं चला। लेकिन हाँ, इस बीच में उन्होंने एक ऐसा भी गगनचुंबी छक्का चढ़ा जिससे कि ऐसा लग रहा था कि मानो धोनी खेल रहे हैं, और डिविलियर्स की आत्मा भी उनके अंदर प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये सिक्स इतना ज्यादा खतरनाक था। ये पूरा वक्त के 200 पारी के 12वें ओवर का है। आपको बता दें कि उस वक्त गेंदबाजी पर थे स्पिन गेंदबाज एम बर्कवेल, और सूर्य कुमार यादव से उनका सामना हो रहा था। अब दोस्तों, सूर्य कुमार यादव जो बल्लेबाजी करते हैं अपने राइट हैंड से, उनको दोस्तों जैसे ही इस ओवर की चौथी गेंद जरूरत से ज्यादा धीमी गति की लगी, वो तो पूरी तरीके से घूम गए। 360 के स्टाइल में दोस्तों एक ऐसा रिवर्स स्वीप शॉट खेला उन्होंने के बैकवर्ड पॉइंट से गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी, और ऐसा लग रहा था कि ये तो आउट ऑफ द पार्क चली गई है। और दोस्तों, वाकई में न्यूजीलैंड के मैदान है भी ऐसे कि गेंद जब आउट ऑफ द पार्क गई तो देखकर हर कोई दंग रह गया कि आखिरकार ये 360 डिग्री के एंगल पर सूर्य कुमार यादव ने कितना उम्दा शॉट खेला है। दोस्तों, मानो सूर्य कुमार यादव ने गेंद को छुआ ही था अपने बल्ले से, और गेंद सीधा चली गई सिक्स की तरफ। ये है सूर्य कुमार यादव की पावर, जो कभी के वक्त में दोस्तों धोनी के ही हाथों में देखने को मिलती थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने अपने इसी शानदार तूफानी छक्के व पारी के दम पर दो बहुत बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव ने हैमिल्टन के मैदान में मात्र 25 गेंदों में 34 रन बनाए, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा लगाए गए अब तक की सबसे तूफानी पारी है पिछले 2 साल में किसी भी भारतीय द्वारा। और दोस्तों, दूसरा बड़ा रिकॉर्ड सूर्य ने ये बनाया है कि जो छक्का सूर्य कुमार यादव ने लगाया था उसकी लंबाई ही 100 मीटर से ज्यादा की थी, और इस मैदान पर इतना लंबा छक्का लगाने वाले सूर्य पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों, ये है सूर्य कुमार यादव की पावर है, ना सिर्फ सिक्स और पारी खेली बल्कि बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ गए। दोस्तों, बारिश के चलते हैमिल्टन में मैच तो रुका है, लेकिन अब ओवर्स में भी कटौती हो चुकी है। BCCI ने क्या अपडेट निकाला है, और आखिरकार अब मैच शुरू होने के बाद कितने ओवर का होगा, आपको सारी डिटेल इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है, आज का मैच फिर से शुरू हो भी जाता है तो आखिरकार इसे कौन जीतेगा, भारत या फिर न्यूजीलैंड, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या सैमसन को खिलाना चाहिए था, इसका भी जवाब दीजिएगा। दोस्तों, सीरीज के दूसरे वनडे मैच को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन के मैदान में धावा बोल दिया है। इससे पहले दोस्तों, सीरीज का आगाज इस महीने की 25 तारीख से हुआ था, जब ऑकलैंड के मैदान में न्यूजीलैंड की टीम ने बाजी मार ली थी। उस मैच में दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस हारा था और पहले हमें बल्लेबाजी मिली थी, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों की उम्दा बैटिंग भी हमें देखने को मिली। हालांकि मिडिल ऑर्डर के पस्त होने की वजह से एक बहुत बड़ा भयंकर लक्ष्य तो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी शिखर धवन, श्रेयस अय्यर के एकजुट प्रदर्शन, उनकी बड़ी पारियों के चलते हमने 308 का लक्ष्य न्यूजीलैंड को दिया था उस मैच में। 50 ओवर की दोस्तों उस गेम में न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाज ने शतक जड़ा तो दूसरे ने 94 रन की नाबाद पारी खेली। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों उस मैच में अपने देश को तो जिताया ही, साथ ही भारत को भी हरा दिया था। इसीलिए हैमिल्टन के सेडन पार्क के मैदान में आज दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को हर हाल में जीतना है। लेकिन किस्मत का फेर तो देखिए, इस बार भी दोस्तों केन विलियमसन ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, क्योंकि दोस्तों इस मैदान में वो शायद जानते थे कि बरसात आने वाली है। बरसात आएगी तो डकवर्थ लुईस लगेगा, और डकवर्थ लुईस स्टेडियम लगेगा तो दोस्तों ओवर्स में कटौती तो होनी है, जो अब आखिरकार हो ही चुकी है।
तो दोस्तों आपको बता दें कि इस मैदान में बारिश के आसार पूरे मैच के दौरान है और पूरे मैच में इतनी घनी बारिश होनी है इस मैदान में कि दोस्तों इस मुकाबले को शायद 20 से 25 ओवर तक का भी करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है, आज इस मैदान में एक नहीं दो नहीं बल्कि 10-12 बार दफा आप सभी को अंपायर्स मैदान का मुआयना इंस्पेक्शन करते नजर आ सकते हैं। अभी की ताजा अपडेट अगर आपको दें तो दोस्तों मैदान में इतनी घनी बारिश है कि सारे कवर्स लाकर केवल पिच पर रखे हुए हैं ताकि उस पर असर ना पड़े। मैदान से दर्शक भी बाहर जा चुके हैं और थोड़ी सी देरी दोस्तों 5-10 ओवर की कटौती लेकर आएगी, लेकिन जिस हिसाब से वेदर रिपोर्ट सामने आई है उससे तो यही पता चल रहा है कि ये बार बार होने वाली देरी इसी तरीके से मैच को रोकती रहेगी और मैच रुकेगा दोस्तों ये तकरीबन 20 या 22 ओवर तक का रह जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये किसी T20 से कम नहीं रहेगा और फिर न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए भारतीय खिलाड़ियों को एक बड़ा लक्ष्य बनाना होगा कैसे भी करके। परंतु दोस्तों अब सभी को क्या लगता है, इस भयानक बारिश के बाद ये मैच शुरू भी हो गया तो भारत और न्यूजीलैंड में से इसे कौन जीतेगा और क्या जो वाकई में धवन को सैमसन को खिलाना चाहिए था पंत की जगह या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रवि सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।